ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी में आखिरी चरण के चुनाव के लिए सभी दल अपनी पूरी ताकत से प्रचार प्रसार करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजीपुर में जनसभा को संबोधित किया। आरटीआई मैदान राजकीय मेडिकल कॉलेज के समीप सभा स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी। पीएम मोदी ने जिले की 7 सीटों से भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आज दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं, ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां भेजा है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना और वायुसेना को भी लगा दिया गया है और परिवारवादियों ने कदम कदम पर भारतीयता का अपमान किया है। सजा दोगे कि नहीं दोगे? देंगे। आपको वोट देकर के सजा देनी है भाई। परिवारवादियों के राज में क्या कुछ नहीं हुआ याद कीजिए मेरे भाइयों बहनों। घोर परिवारवादियों ने हमारे दलित भाई बहनों की बस्तियां जलाई थी कि नहीं जलाई थी? बस्तियां जलाई थी कि नहीं जलाई थी? क्या गाजीपुर के लोग भूले नहीं है वो दौर जब हमारे होनहार साथी कृष्णनारायण राय जी की गोलियों से छलनी कर दिया गया?